हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर, जहां पर मैं नासिर अपने फादर जॉनी वॉकर की कुछ बातें आपको सुनाता हूं। तो आज मैं जो बात लेकर आया हूं वो बहुत फिलोसफिकल बात है, वो बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे, बहुत गॉड फियरिंग थे और बहुत उनकी जो फिलोसफीज थी वो ज़िंदगी को लेके वो बहुत टू द पॉइंट, शॉर्ट और फनी भी होती थी। उनसे किसी ने पूछा कि जॉनी साहब, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, ऊपर नीचे, अमीरी गरीबी, शान शोहरत, सब कुछ देखा है, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से ज़िंदगी क्या है। तो डैडी ने कहा कि बेटा, अगर मैं तुमको ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी क्या है तो उसके लिए हम दोनों को एक और ज़िंदगी लगेगी और उतना वक्त ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। तो मैं इन शॉर्ट तुमको समझाता हूँ कि ज़िंदगी क्या है। ही सेड के जब मैं छोटा था तो मुझे फ़ोन आते थे कि जॉनी, आज इसका बर्थडे, कल उसका बर्थडे, परसों उसका बर्थडे। फिर जवानी आई तब मुझे फ़ोन आते थे, अरे जॉनी, आज इसकी शादी है, कल उसकी शादी है, परसों उसकी शादी है। अब बुढ़ापे में हूँ, अब बैठा हूँ, अब फ़ोन बजता है तो अब ये खबर आती है कि जॉनी, आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया। तो डैडी ने कहा था कि ये ज़िंदगी है, वही मेरा फ़ोन है, वही मुझे मैसेज आते हैं, बट सिर्फ मैसेज जो है बदल गया है। पहले बर्थडे के आते थे, फिर शादियों के आते थे और अब बस लोगों के जाने के आ रहे हैं। मुझे ये रियलाइज़ होता है बिकॉज़ अब मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव में आ गया हूँ कि जब मैं सुनता हूँ कि यार नासिर ये दोस्त, नासिर वो दोस्त, तो एनीवे मैं आप लोगों को ज़्यादा अपसेट और दुखी नहीं करना चाहता। तो थिंक अबाउट जॉनी वॉकर, मैं उनकी ऐसी और बातें और इंटरेस्टिंग किस्से कहानियाँ लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर, ओनली ऑन नासिर नपैर टीवी। Please share, like and subscribe.